तो फाइनली हम लोग जो देखने के लिए आए हैं हम लोग को मिल गए हैं और वो है ये ढोल वाले अंकल, आप देख सकते हो। अबे साले तभी सॉरी 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 Hey guys, welcome back to my another video. Now you are watching Shaker Wines. तो आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अलग और अनोखा, अजूबा भी बोल सकते हैं, क्योंकि दुबई का एक बेस कीमती चीज़ आपको कोलकाता में देखने मिलेगा, जिसका इन्फॉर्मेशन देने वाला है मेरा दोस्त काजी। बताओ भाई। एवरीवन, चलो काजी फात, जैसे कि आप जानते हैं बहुत दिन से हम लोग का वीडियो नहीं बना था, ठीक है, तो आज हम लोग का नया ब्लॉग बनने जा रहा है, एक तो नया चीज़ का लेकर जो कि है दुबई का एक तो कीमती चीज़ कोलकाता में आया है और जो बहुत ही खूबसूरत है और वो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, दुर्गा पूजा आ ही चुका है, आपको मालूम पूजा आ गया है, और इसलिए हम लोग आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना कि आपको डायरेक्टली लेकर चलते हैं और वहाँ का कीमती चीज़ जो बना है वो दिखाते हैं। अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है और आप देख सकते हैं फ्लाईओवर में इतना जैम है, रोड आप रोड का नजारा देख सकते हो, बहुत ज्यादा जैम है। तो फाइनली हम लोग जो देखने के लिए आए हैं हम लोग को मिल गए हैं और वो है ये ढोल वाले अंकल, आप देख सकते हो। फाइनली हम लोग आ चुके हैं लाइटिंग का डेकोरेशन जहाँ से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि उल्टा डांगा ब्रिज के पास से ऑलमोस्ट वहाँ से जैम जो शुरू हुआ है, उसके बाद अभी जाकर हम लोग थोड़े अंदर की तरफ आए। तो जितना भी लाइटिंग का डेकोरेशन है सब मैं आपको वन बाय वन करके पहले दिखाऊंगा, उसके बाद तो आपको मेन चीज़ देखने मिलेगा जो है बुर्ज खलीफा। और क्राउड आप देख सकते हो। একটা ইসাব সবাই মুখে পড়ে মাস আস্তে আস্তে ইরা সবাই বলছি। बहुत ही ज्यादा क्राउड है आप देख सकते हो और यहाँ का जो व्यू है वाकई। वाकई में नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और बुर्ज खलीफा का जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, जो सुनी सुनाई बातें है, 250 वर्कर्स ने काम किया है कंटिन्यूसली 60 डेज, तब जाके ये बुर्ज खलीफा रेडी हुआ। मैं बोलना चाहता हूँ अगर आप लोग श्री भूमि अगर आप लोग दूर से आते हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा टाइम लेकर हाथ पे आओ, क्योंकि आपको डे का एंड नाइट का, क्योंकि बुर्ज खलीफा अगर आप नाइट में नहीं देखा तो भाई क्या देखा, क्योंकि लाइटिंग का ही मेन काम है। आप जो बड़ा मतलब जो मेन बुर्ज खलीफा है दुबई में है, ठीक है, और यहाँ पे जो बुर्ज खलीफा है टोटली मुझे देखने में स्ट्रक्चर सेम ही लगा, बट मेन बुर्ज खलीफा क्या है आपको लाइटिंग ही ना देखना है, स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है कि कैसा बना हुआ है बुर्ज खलीफा,
पर लाइटिंग का जो डेकोरेशन किया है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, बहुत ही मस्त है। मैं बोलना चाहता हूँ कोलकाता में तो बहुत ही हर एक स्टेट से आदमी लोग आते हैं, हर जगह कोलकाता में सब जगह पंडाल होता है, लेकिन अगर आप कोलकाता में आकर अगर श्रीभूमि का पंडाल नहीं देखा तो आपने क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा। तो वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।